चैनल और आज आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आज जो डेली व्लॉगिंग है उसका लास्ट डे है. मतलब आज मैं डेली व्लॉगिंग खत्म कर रही हूँ एंड आई रियली एंजॉय डेली व्लॉगिंग एज वेल. और इस बार थोड़ा सा मैंने जैसे मैं पहले करती थी वैसे मैंने नहीं किया है. अपना जो रूटीन होता है मॉर्निंग से वो मैं नहीं इतना शो कर रही हूँ. नॉर्मली मैंने बताया है, मतलब मैंने कोशिश किया है कि मैं अगर कहीं कहीं जा रही हूँ इस वीक में तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता सकूँ. तो आज मैं जा रही हूँ विक्की के साथ. विक्की अपने ऑफिस जाएंगे तो आज विक्की कार से जाने वाले हैं और मैं जा रही हूँ आर सिटी मॉल घाटकोपर वाला. क्यों? क्योंकि बहुत सारा दिवाली सेल लगा हुआ है, होम सेंटर का, होम स्टॉप का और फैब इंडिया फर्नीचर का. बहुत सारे वहाँ पर अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं. क्योंकि मेरे पास वाले जो मॉल है विव्याना, वहाँ वाले होम सेंटर का तो मैं ऑलरेडी काफ़ी बार कलेक्शन देख चुकी हूँ. सो आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट. तो आज विक्की जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ. एंड ड्रेस में मैंने सिंपल सा एक वाइट कलर का टॉप पहना हुआ है और नेक में मैंने ये नेक पीस पहना है और अपनी वॉच पहनी हुई है एंड एक छोटा सा स्लिंग बैग, खाने के स्नैक्स हैं और बस अभी हम लोग जा रहे हैं. तो लंच भी हम लोग बाहर ही करने वाले हैं, वहीं पर जा करके लंच करने वाले हैं. तो बस ये है. और अभी बच रहे हैं 12:30. हम लोग लेट निकले क्योंकि थोड़ा पूजा वगैरह करना था और ये सारी चीज़ों में हम लोग बिजी थे. तो अभी हम लोग थोड़ा सा लेट निकले हैं और मैं जब वहाँ पर पहुँच जाती हूँ तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ. टिल देन बाय. राइट नाउ आई एम सिटिंग इन होम सेंटर. होम सेंटर में बैठी हुई हूँ. एक्चुअली यहाँ का जो होम सेंटर है इट्स कम्प्लीटली ब्लैंक, कोई भी नहीं है. मे बी बिकॉज आज वर्किंग डे है इसके लिए. तो थोड़ा बहुत स्टफ मैंने परचेस किया है तो वो क्या परचेस किया है वो मैं आपको घर जा करके दिखाऊंगी. एंड आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँ. तो विक्की 5 बजे निकलेंगे वहाँ से, तो तब तक मुझे कैसे भी करके ना आई हैव टू यू नो अपना जो टाइम है वो निकालना है. तो अभी यहाँ से जाने के बाद कितनी भी शॉप्स में जा रही हूँ वो सब लाइफस्टाइल रिलेटेड वाली शॉप्स ही हैं. डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं, होम एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड शॉप्स हैं, वहीं जा रही हूँ बिकॉज मुझे खुद को तो कुछ नहीं लेना है, सब दिवाली कलेक्शन मुझे देखना है. तो बस यही है. और अभी मैं यहाँ से बिलिंग करवा करके मैंने बहुत थोड़ा सा सामान लिया है, 2-3 जो मेरे काम का है, और फिर मैं निकलती हूँ. तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर. ये है वन स्टॉप के मिट्टी के बर्तन जो कि एक्सट्रीमली कॉस्टली हैं. विक्की मुझे मिल गए हैं. विक्की के ऑफिस तक मैं चली गई थी ऑटो से और अभी हम लोग घर जा रहे हैं. एक्चुअली जिस एरिया से मेरे को क्रॉस करना था ऑटो से तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही एरिया था, तो इसलिए विक्की ने बोला था कि निकल आओ अंधेरा होने से पहले. तो मैं आ गई हूँ और कुछ बस मैं होम सेंटर और 2-3 स्टोर्स ही घूम पाई. और जो जो मैं सामान लेकर के आई हूँ मैं बताऊँगी. बहुत बेसिक सा सामान लेकर के मैं लास्ट पैंटलूंस घूम ही रही थी तो मैं विक्की का कॉल आ गया, नहीं नहीं पैंटलूंस विव्याना वाला छोड़ दूंगा, वहाँ घूमती रहना, यहाँ से आज निकल जाओ भी.
तो अभी मैं आ गई हूँ और अभी मैं घर जा रही हूँ और मैं आप लोगों से, मेरी डांस क्लासेस हैं तो इसलिए अभी मैं घर ही जा रही हूँ और मैं आप लोगों से मिलती हूँ घर पहुँचने के बाद, डांस क्लास से फ्री होने के बाद. टिल देन हेलो एवरीवन. तो मैं आ गई हूँ शॉपिंग करके और बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी मैंने, थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी हैं. बाकी चीज़ें जो है वो खाने पीने की है तो वो मैं शो नहीं कर रही हूँ. तो जो जो मैं होम सेंटर से लेकर के आई मैं आपको वो बताती जाती हूँ. तो एक तो मैं होम सेंटर से ये लेकर के आई हूँ, तो इसके साथ इसके सेल्स भी आए हैं. तो एक ये प्रोडक्ट मैं लेकर के आई हूँ. सेकेंड जो मैं लेकर के आई हूँ वो ये होल्डर्स लेकर के आई हूँ. ये आया था 249 रुपीस का. देन उसके बाद एक लैवेंडर डिफ्यूजर ऑयल लेकर के आई हूँ. ये आया है 199 रुपीस का. उसके बाद मैं लेकर के आई हूँ प्लग इन नाइट लैम्प. तो ये नाइट लैम्प है. अब ये कैसा दिखता है मैं दिखाती हूँ. मैं एक्चुअली ये सैम्पल पीस लेकर के आई हूँ, मैं मेरे यूज करने के लिए तो डेफिनेटली नहीं लेकर के आई हूँ. दिवाली गिफ्ट्स हम लोगों, मेरे को बहुत सारे लोग दिवाली गिफ्ट देते हैं और जब हम मिलने जाते हैं दिवाली के लिए तो जो मुझे देता है मैं उनको गिफ्ट देती हूँ. तो उसके लिए मैं लेकर के आई हूँ ये. यहाँ पर इसका स्विच भी है तो आप ऐसे ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर आप ऑयल इंसर्ट कर सकते हैं. तो इट्स लाइक अ डिफ्यूजर, इट्स बेसिकली लाइक अ नाइट लैम्प प्लस एज वेल एज इट्स बिहेव लाइक अ डिफ्यूजर एज वेल. और बहुत ही अच्छा सा क्यूट सा लग रहा है मुझे ये, तो मुझे काफ़ी पसंद आया. तो हम लोग ऐसे चार पांच और लेकर के आएंगे क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो मैं जब भी दिवाली पे जाती हूँ तो मुझे गिफ्ट्स देते हैं या कुछ अमाउंट देते हैं अच्छा खासा. तो अच्छा नहीं लगता खाली हाथ उन लोगों के घर पर जाना. तो एज अ दिवाली गिफ्ट मैंने सोच रही हूँ कि ये चीज़ मैं दूंगी सबको और काफ़ी यूजफुल भी है और भोपाल में होम सेंटर है भी नहीं तो यू नो उन लोगों को काफ़ी पसंद आएगा ये चीज़. तो ये सारी चीज़ें थी. ओके उसके बाद फिर मैं मिनीसो गई थी. तो मिनीसो से मैं अगेन ये वाला, क्योंकि मैं RCT मॉल घाटकोपर वाले मिनीसो गई थी, वहाँ पर अगेन ये कंटेनर लेकर के आई हूँ बड़ा वाला. और एज आई सेड कि मैं प्लास्टिक के सारे कंटेनर्स जो है वो फेंकने वाली हूँ धीरे धीरे करके, तो इसलिए मैं प्लास्टिक के जितने भी कंटेनर हैं वो इसके कंटेनर से रिप्लेस कर रही हूँ. एंड उसके बाद मैं ये टॉप लेकर के आई हूँ पैंटालून से. एक्चुअली ये पहनने पे बहुत प्रिटी लग रहा था और बहुत डिसेंट सा टॉप है. मेरे पास जनरली डिसेंट टॉप्स बहुत कम है और मैं बहुत टाइम बाद कोई टॉप खरीद रही हूँ तो मुझे ये टॉप लेना था और 899 का, तो इसलिए मैं इसको लेकर के आ गई. मुझे काफ़ी प्रिटी लग रहा था. एंड मिनीसो से लेकर के आई हूँ वो ये है, दिस वन. दिस पॉप सॉकेट लेकर के आई हूँ मैं. मुझे काफ़ी ज़रूरत थी इसकी बिकॉज माई फ़ोन इज़ क्वाइट बिग और ऐसे पकड़ के मैं ईजिली अपने फ़ोन को सेल्फी ले सकती हूँ एंड यू नो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ. तो मैं दो लाई हूँ, एक विक्की के लिए ब्लैक कलर का लेकर के आई हूँ और एक मेरे लिए मैं वाइट कलर का लेकर के आई हूँ. 150 रुपीज़ का ही था ये. तो मैं बहुत यू नो सस्ती सस्ती चीज़ें लेकर के आई हूँ, बहुत महंगी चीज़ कुछ भी नहीं लेकर के आई और बाकी थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर के आई हूँ. तो ये था. और बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे मेरी वॉचेस के बारे में, एक दो वॉचेस मैंने पहनी होगी तो वो पूछ रहे थे. तो मेरी जितने भी अच्छी वॉचेस हैं जो मेरी फेवरेट हैं उनका कलेक्शन मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में शेयर करती हूँ. ओके तो मैं एक एक करके आपको अपने जो भी वॉच का कलेक्शन है वो मैं बताती जाती हूँ. तो जो मेरे पास बहुत सारी वॉचेज़ हैं, मेरे पास 8 to 9 वॉचेज़ हैं और जो मेरी मोस्ट फेवरेट 4 वॉचेज़ हैं वो मैं आपको बता रही हूँ. तो सबसे फर्स्ट जो वॉच है वो ये वॉच है. ओके तो सबसे फर्स्ट वॉच है ये वॉच है. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड केसियो. और ये क्यों इतनी स्पेशल है बिकॉज ये मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी नहीं बोलूँगी बट ये मैंने अपनी सैलरी से परचेज करी थी थोड़े टाइम बाद. मतलब मेरी सैलरी की परचेज है और एक्चुअली इसमें इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत प्रिटी लगती है पहनने पर. 7000 कुछ की थी एंड आफ्टर डिस्काउंट हमको 6500 या 6600 ऐसे कुछ मिली थी. बहुत कम इस पर डिस्काउंट था, मतलब हमको 800 कुछ रुपीज़ डिस्काउंट मिला था इसमें. तो एक वॉच है ये जो मेरे ही फर्स्ट वॉच है, ब्रांडेड फर्स्ट वॉच, अच्छी वाली जो मैं बोलूँगी वो है. फिर उसके बाद मेरे पास जो सेकेंड वॉच है वो ये है. अगेन दिस इज़ फ्रॉम केसियो और ये बहुत ही सिंपल सी वॉच है और इसमें काफ़ी सारे ऐसे क्रोनोज बने हुए हैं और इसमें इस तरह के काफ़ी सारे क्रोनोज बने हुए हैं
और मुझे काफ़ी पसंद है ये वाली वॉच भी, तो इसको मैं यूजुअली यू नो कैजुअल वेयर में कैरी करती हूँ, नॉर्मल जो कहीं भी जाना आना होता है तो मैं इस वाली वॉच को सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये प्योर सिल्वर सिल्वर कलर की है ये वाली जो वॉच है, दिस इज़ ऑफ 5,000 रुपीज़ की है ये। वो जो गोल्ड कलर की वॉचेस आती है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, बट जो सिल्वर वॉचेस होती है वो इतनी कॉस्टली नहीं होती है। देन जो थर्ड वॉच है वो टाइटन है, अगेन इसमें भी इस तरह के क्रोनोस बने हुए हैं, तो आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं। और ये भी बहुत क्लासी वॉच है, इसका मुझे ये बेल्ट जो है बहुत पसंद है। तो ये ड्यूअल टोन में है, इसमें गोल्ड भी है और इसमें सिल्वर भी है। ये वाली जो वॉच है ये मुझे 8,000 या 7,000 कुछ की मिली थी, अभी इसकी प्राइस थोड़ी कम हो गई है तो ये 6,000-5,000 में शायद से आने लगी है ये वाला जो मॉडल है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये पहनने पर बहुत क्लासी लगता है, मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ ये वॉच। ओके, अब जो रिक्वेस्ट जिस वॉच के लिए मेरे पास स्पेशली आई थी वो वॉच मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वो वॉच है ये, सो दिस वॉच इज फ्रॉम माइकल कॉर्स। ये माइकल कॉर्स की वॉच है, मतलब शादी के टाइम पे मैंने ली थी। तो ऐसा हम लोगों ने दो ली थी, एक विक्की के लिए ली थी और एक मेरे लिए ली थी, मैं विक्की की बताती हूँ। ओके, तो विक्की के पास भी माइकल कॉर्स है, ये विक्की का है और ये वाला जो वॉच है ये मेरा है। तो मेरा वाला जो है वो बहुत ही प्रिटी सा ऐसे गोल्डन टोन में है, और जब मैंने ये परचेस करी थी तब ये 19,000 की थी। ये सबसे कॉस्टली वॉच है मेरे पास, और मतलब जब मैं इसको जब से मैं देख रही हूँ तब ये 22,000 की थी, फिर जब मैंने परचेस करी थी तो ये 19,000 की थी। और जो विक्की की वॉच है वो 20,000 की थी और हमको आफ्टर डिस्काउंट 19,000 में मिली थी। और ये पहनने में बहुत प्रिटी लगती है, जब भी इसको पहनो तो लोगों की नज़र आप पे नहीं आपकी वॉच पे जाती है, बहुत क्लासी और दिखती है कि आपने हाथ में कुछ मस्त सी वॉच पहनी हुई है। तो ये है माइकल कॉर्स की वॉच, इसमें बहुत प्रिटी से डायमंड्स लगे हुए हैं पूरी वॉच में। और यहाँ पर सेकंड है, अभी इस वॉच के प्राइसेस काफ़ी कम हो गए, अभी 14,000-15,000 में मिलने लगी है। तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो ये था मेरा चार वॉचेस का कलेक्शन, और ये विक्की की सिंपल सी वॉच है, विक्की को सिंपल वॉचेस ज़्यादा पसंद है। तो विक्की के पास एक ही सबसे ज़्यादा महंगी वॉच है और वो यही है विक्की, बहुत सारा कलेक्शन नहीं रखता है। ओके, तो अब जो मेरी नेक्स्ट वॉच का टारगेट है वो फॉसिल की वॉच है, एक मॉडल है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसपे पिछले एक साल से मेरी नज़र है, बट वो थोड़ा कॉस्टली आता है तो मैं आराम से लूँगी, या तो मैं बोलूँगी या फिर मैं एप्पल की वॉच लेने वाली हूँ। तो लेट्स सी कौन सी अब मैं लेती हूँ। और बस यही था, और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि साड़ी कैसे पहनना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि साड़ी कैसे पहनते हैं। मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं आती है, बट जैसे थोड़ी बहुत आती है। एंड हाँ, दूसरी चीज़ ये, मैं पेटीकोट और ब्लाउज के ऊपर नहीं पहनूंगी, मैं ऐसे ही लोअर टी शर्ट के ऊपर पहनूंगी, बिकॉज आई एम नॉट कम्फर्टेबल कैमरे के सामने इस तरह से पेटीकोट ब्लाउज में आने में, मैं कम्फर्टेबल नहीं हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैं जैसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, मुझे बहुत अच्छे से तो साड़ी पहनना नहीं आती, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन जो लोगों ने मुझसे पूछा है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा जिस तरह से मैं पहनती हूँ वैसे आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे मैं साड़ी पहनती हूँ, और वो मैं अभी थोड़ी देर से लेकर के आती हूँ। सो या स्टे ट्यून्ड। तो मैं यहाँ पर जो साड़ी है वो एक बेल्ट के ऊपर पहन रही हूँ, तो मैंने इस तरह से बेल्ट लगा दिया है, आप सपोज करिए कि ये एक पेटीकोट है। अब हम इसको एक साइड से अंदर इंसर्ट करते जाएंगे, आई गेस इतना सबको पता ही होगा, बेसिक जो है बिल्कुल नॉर्मली है। एंड साड़ी पहनने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप पहन रहे हैं तो उसको कैरी बहुत अच्छे से करिए, तभी आपकी साड़ी बहुत प्रिटी लगने वाली है, अदरवाइज अनटाइडी वे में साड़ी पहनी हुई साड़ीज बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी इट वेरी वेल। और उसके बाद अभी मैं पल्ला ले रही हूँ, तो पल्ला वाला भी आई गेस आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे मैं पल्ला लेती हूँ, और ताकि पल्ला बिल्कुल बराबर रहे तो उसके लिए मैं zigzag पैटर्न में, मैं अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। एंड दूसरी चीज़, अगर आप फॉलिंग पल्ला लेते हैं तो कोशिश करिए आप यहाँ से जो पल्ला लेंगे वो थोड़ा छोटा लें, एंड अगर आप जमा करके पल्ला लेने वाले हैं तो जितना आप कंफर्टेबल हो जिसमें वो। उसके बाद पल्ला लेने के लिए मैं ऐसे zigzag पैटर्न में इसको करती हूँ, ताकि जो हमारा पीछे पल्ला जा रहा है वो एकदम बराबर आए, ऊपर नीचे ना आए और उसकी फिनिश अच्छी लगे। तो ये अभी फाइनल पल्ला नहीं है, इट्स जस्ट मुझे कितना बड़ा लेना है। तो क्योंकि मैं फॉलिंग पल्ला लेने वाली हूँ तो मैं इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लेती हूँ, मतलब ये तो बहुत छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा आप ले सकते हैं। उसके बाद जो एंड वाला जो नॉट है वहाँ पर
जहाँ पर हम प्लेट जमाते हैं उस तरफ में आप ऐसे सेफ्टी पिन से उसको अटैच कर लीजिए ताकि वो एकदम प्रॉपर आपका फिट रहे। एंड देन अपने हाथ में इस सेक्शन से लेकर के आप ऐसे प्लेट्स जमाइए, तो इससे जो प्लेट्स होती हैं वो एकदम बराबर रहती हैं, और छोटी छोटी प्लेट्स और बारीक बारीक जो प्लेट्स होती हैं वो मुझे बहुत प्रिटी लगती हैं, तो मैं उस तरह से एकदम छोटी प्लेट्स जमाना पसंद करती हूँ। तो ऐसे करके मैं प्लेट्स जो है वो अपनी ऑर्गेनाइज करती हूँ, मतलब जमाती हूँ। जब आप अपनी प्लेट्स को इंसर्ट कर लें तब मेक श्योर कि आप उसको ऊपर से अच्छे से सेट कर लें, और चाहें तो आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं साड़ी पिन्स जो होती हैं, एंड अगर आपको फॉलिंग पल्ला रखना है तो आप फॉलिंग पल्ला रख सकते हैं। अगर जमाना है तो मैं इस तरह से बारीक बारीक अगेन zigzag पैटर्न में इसको जमाती हूँ। इससे जो पल्ला है, जितना जिन लोगों को पतली प्लेट्स सीना पसंद है, जो गर्ल्स जनरली होती हैं शिफॉन की साड़ीज़ पहनती हैं उनको पतली प्लेट्स सीना पसंद है, तो इस तरह से मैं अपना जो पल्ला है वो एकदम पतला रखती हूँ, और बहुत प्रिटी लुक आता है इसमें। तो थोड़ा बहुत सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, एंड साड़ी समथिंग जो आपको प्रैक्टिस से अच्छे से आ जाएगी प्रॉपरली पहनना। तो ये हमारी साड़ी जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो गई है, जहाँ जो आपको पिनअप करना है आप पिनअप कर सकते हैं, एंड या दैट्स इट। व्लॉग है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और मेरी जो सीरीज़ है डेली व्लॉगिंग की आई रियली एंजॉयड इट, और काफ़ी सारी मन की बातें मैं इसमें बोल पाती हूँ आप लोगों से, क्योंकि ऐसे जनरल व्लॉग्स में हम लोगों का ऐसे डिस्कशंस नहीं हो पाता है। सो आई रियली एंजॉयड इट, और आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और अगर आपको पसंद आता है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर।